सो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक चेक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको पता है वीडियो टाइटल से किसके बारे में बात करने वाले हैं, पीट्रॉन के बेसबड्स की बात करने वाले हैं, जो कि विस्टा जो इन ईयर ट्रूली वायरलेस स्टीरियो विथ वायरलेस चार्जिंग लॉन्च हुआ है उसकी बात करने वाले हैं। तो हमारे पास में अभी प्रोडक्ट नहीं है, डब्बा खोल वीडियो हमने नहीं बनाई है इस प्रोडक्ट की, क्योंकि थोड़े से इश्यूज आते हैं अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उस चीज से, तो इश्यूज आते हैं। सो आई हैव रिटर्न दैट प्रोडक्ट बिकॉज आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, अप टू द मार्क नहीं था वो हमारे एक्सपेक्टेशंस के। सो आई जस्ट रिटर्न द प्रोडक्ट। इतने अमीर नहीं है कि हम खराब चीजों को भी रख लेंगे। सो बेसिकली आज उसके एक ऑनेस्ट रिव्यू के बारे में बताऊंगा। उसके में अंदर कुछ अच्छी चीजें भी है, कुछ बुरी चीजें भी है। बुरी चीजें इस बार अनफॉर्चुनेटली पीट्रॉन वालों की हावी हो चुकी थी अच्छी चीजों पे, इसलिए हमको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया एंड आई गिव इट अ डिसलाइक। तो बेसिकली बात करते हैं, आपको अगर उन पॉइंट्स पे सुनकर अगर आपको लगता है कि यू कैन कोऑपरेट, यू कैन एडजस्ट योरसेल्फ, तो आप बाय कर सकते हैं उनको, अदरवाइज आई वोंट सजेस्ट इट। तो नमस्कार दोस्तों, टेक चेक पे आपका स्वागत है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी अच्छा लगता है, हम टेक्निकल रिव्यूज करते हैं, कुछ भी थोड़ी सी हैक्स वगैरह के ट्रिक्स एंड हैक्स के बारे में बताते हैं, वो सब अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब करना, बिकॉज Your subscription matters a lot to us. So, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। जैसे ही आप इन हैंड उसको लेते हैं तो बिल्ड क्वालिटी हाथ में लेते ही पता नहीं चलती है, लेकिन जब उसको ढक्कन को खोलेंगे तो टच की आवाज आएगी, विच इज नॉट सूदिंग टू ईयर्स एंड नॉट टू द बॉडी। आपकी बॉडी को डैमेज करती है वो जो वॉइस आती है, वो जो कर्कश आवाज आती है, दैट्स नॉट गुड एट ऑल। उसके बाद में वो ड्यूरेबल नहीं है, जितना भी आप उसकी लिड को जितनी बार खोलेंगे वो वैसे फार होते जाएगी एंड आफ्टर अ पॉइंट वो बंद नहीं होगा, आपका पूरी तरह से बंद नहीं होगा। तो पहली मुझे बिल्ड क्वालिटी में ये तकलीफ लगी केस के अंदर। सेकंड अगर बात की जाए तो बिल्ड क्वालिटी ऑफ द मेन यूनिट स्टिक वाली है, अच्छी यूनिट है, बट स्टिल बिल्ड क्वालिटी वहां पे उन्होंने कम की है। अब उनका जो मेन फीचर है, अच्छा फीचर जिसकी बात कर सकते हैं हम, दैट इज वायरलेस चार्जिंग। अब इस रेंज में 1300 रुपीज में अगर आपको कोई वायरलेस चार्जिंग वाली चीज प्रोवाइड करवाता है, तो आप उसको आंख बंद करके लेना पसंद करेंगे, और लेना भी चाहिए बिकॉज नई टेक्नोलॉजी है तो बेसिकली अच्छी ही होनी चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम डिसअपॉइंट हुए हैं इस बार, बिकॉज बिल्ड क्वालिटी मैंने केस की बता दी आपको, सेकेंड बिल्ड क्वालिटी ईयरपोड्स की जो मेन यूनिट है वो भी अच्छी नहीं है। थर्डली हम बात करें तो इसमें AAC सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो ऑडियो वाला है उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसकी वजह से इसकी जो नॉइस क्वालिटी है दैट हैज ऑल्सो डिटेरियोरेटेड। उसके कारण उसमें आपको काफी फर्क नजर आ रहा है, वो अप टू द मार्क नहीं है, तेज वॉइस नहीं प्ले कर सकते हैं, बैस ट्रेबल सब में उन्होंने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया है। तो जैसे वायरलेस चार्जिंग का इन्होंने फीचर देना का सोचा, उन्होंने बाकी सारी कॉस्ट कटिंग के हिसाब से बाकी सारे फीचर्स को लो कर दिया। तो एक 1199 में सेम कंपनी का सेम प्रोडक्ट है, स्टिक वाले ही हैं, ईयरफोन्स है, वायरलेस है, TWS है, लेकिन उनमें वायरलेस चार्जिंग नहीं है। तो दैट इज बेटर अगर आप साउंड के हिसाब से अगर इसको मंगा रहे हैं, इसकी बिल्ट इन माइक आजकल सब में दे रहे हैं, नॉइस कैंसिलेशन भी इन्होंने प्रॉमिस किया है, बट वॉट आई थिंक इज यू शुडंट एक्सपेक्ट टू गेट ए नॉइस कैंसिलेशन, बढ़िया नॉइस कैंसिलेशन आप 3000 रुपये से नीचे के प्रोडक्ट में मत एक्सपेक्ट करो, ये मेरा रिकमेंडेशन है। क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर लेते हो, लिखा हुआ होता है, फिर आप उन पे ब्रांड पे चढ़ जाते हो, दिस इज नॉट अ थिंग, आप नहीं उन पे क्लेम नहीं कर सकते ऐसी चीजें। सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट अवेलेबल इन दिस। नॉइस कैंसिलेशन लिखा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो नॉइस कैंसिलेशन करेगा, आउटडोर्स जाएंगे तो आपको डिस्टर्बेंसेस आएंगे, बिकॉज ये है लो क्वालिटी, मतलब लोअर प्राइस रेंज में है तो ऑब्वियसली क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं होगी। Not talking about the generalized things, talking about specified things about this charger. तो उसमें आपको सबसे पहले build quality मैंने बता दी, उसके बाद में जो sound quality है वो भी अच्छी नहीं है, उसके बाद में इसका जो wireless charger है that is the main point कि हम इसको क्यों purchase करें। Wireless charge होता है, आप इसके ऊपर रख सकते हैं और charge हो जाएगा, लेकिन वो wireless जो तवा है वो actually में तवा है, उसके अंदर हीट इतनी जनरेट होती है और बाहर आती है। वैसे बोला है किसी महात्मा ने बोला है कि हीट अंदर रह जाए तो दिक्कत है, लेकिन बाहर आ जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतनी बार आना, बिकॉज इतनी अंदर बन रही है तो तभी तो बाहर आ रही है। और वायरलेस चार्जर है भाई, वो CPU नहीं लगा उसमें, सो वो नहीं है, ये डिजायर्ड नहीं है, एक्सेप्टेबल भी नहीं था, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था आपको, मतलब
आप हाथ में उसको 4 घंटे चार्ज करने के बाद में उसको हाथ में नहीं ले सकते हैं, हाथ में नहीं पकड़ सकते उसको। बैटरी बैकअप की बात की जाए तो सेम जो आपको 900 रुपये में 700 रुपये में मिल रहा है वही आपको इसमें मिल रहा है 6 आवर्स का वन टाइम प्लेबैक टाइम, और उसके बाद में 4 आवर्स का जो केस है वो चार्ज होता है। सो दिस इज ऑल अराउंड 20 to 21 आवर्स का आपको हमेशा मिल जाता है। कुछ भी ले लीजिए आप, 3000 का भी प्रोडक्ट लेंगे तो 21 आवर्स से ऊपर नहीं देगा, और अगर आप 700 रुपये का भी लेंगे तो 21 आवर्स तो कहीं नहीं गए। सो बैटरी बैकअप सब में सेम आ रहा है, क्वालिटी में फर्क आ रहा है, ऑडियो फॉर्मेट्स में फर्क आ रहा है। सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो एक फीचर ऐड करके उन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए बाकी सारे फीचर्स में थोड़े थोड़े कमियां कर दी है, उनको कट कर दिया है। तो वहां पे आपको, अगर आप तैयार हैं एडजस्टमेंट्स के लिए, सो यू कैन फाइंड द प्रोडक्ट। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी नहीं दूंगा, हम विस्टा की बात कर रहे हैं, आप अमेजन पे सर्च करेंगे, स्पॉन्सर्ड भी शायद वही चल रहा है अभी, सो यू विल फाइंड इट। अगर आपको ऑर्डर करना है तो कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ और रोचक तथ्य जानकारी और रिव्यूज के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टैक चेक को। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद ए बेटर टॉपिक, बेटर रिव्यूज और भी बहुत सारी बेटर बेटर थिंग्स। सब अच्छा है, आप खुश रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए, इलाहाबाद रहिए, जहाँ भी रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। एंड दिस इज तनयराज सिंह चौहान साइनिंग ऑफ।